दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ और नए शब्द लेकर आया हूँ। इन शब्दों की अभी आपको आउटलाइन बना के बताऊंगा, उसके बाद में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट मैं शब्द लेकर आता हूँ, वही शब्द आपके लिए लेकर आता हूँ जो अक्सर डिक्टेशन में प्रयोग किए जाते हैं, और आपकी प्रैक्टिस न होने की वजह से आप उन शब्दों को लिख नहीं पाते और आपकी डिक्टेशन छूट जाती है। तो आगे से आपको ये परेशानी ना आए, आसानी से आप डिक्टेशन को लिख सकें, तो अब मैं इन शब्दों को बना रहा हूँ, उसके बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करना। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारा जो शब्द है वह है प्रस्तुतीकरण। इसको इस तरह से बनाएंगे, प्रस्तुतीकरण। के बाद में है ग्रहण कर रही है, इसको इस तरह से लिखेंगे, ग्रहण कर रही है, बड़ा कर देंगे इसको। इसके बाद में है उपभोक्ता, ऐसे बनाएंगे, उपभोक्ता। इसके बाद में आएगा अस्पतालों, ये हो गया अस्पतालों, बहुवचन हो गया। इसके बाद में है बढ़ोतरी की जा रही है, इसको इस तरह से बनाएंगे, बढ़ोतरी की जा रही है। इसके बाद में है सहूलियत, सा और हा का आंकड़ा, इसमें ला, सहूलियत, ये हो गया सहूलियत। इसके बाद में है कृत संकल्पित, इसको इस तरह से बनाएंगे, कृत संकल्पित, ये हो गया कृत संकल्पित। इसके बाद में है सब कुछ होते हुए भी, ऐसे बनाएंगे इसको, सब कुछ होते हुए भी, ये हो गया सब कुछ होते हुए भी, सभी शब्द चिन्ह है, सब कुछ होते हुए भी। इसके बाद में है ग्रामीण क्षेत्रों, ऐसे बनाएंगे इसको, ग्रामीण क्षेत्रों, बहुवचन हो गया। इसके बाद में है विश्व पटल पर, ऐसे बनाएंगे इसको, विश्व पटल और ये पर, ये हो गया विश्व पटल पर। इसके बाद में है आखिरकार, इसको इस तरह से बनाएंगे, आखिरकार। आगे हमारा शब्द है बेकसूर, इस प्रकार से लिखेंगे, बाका आंकड़ा, बेकसूर, हो गया बेकसूर। इसके बाद में है प्रोत्साहित, इस तरह से लिखेंगे, प्रोत्साहित, हो गया प्रोत्साहित। इसके बाद में है प्रोत्साहन, इसको इस तरह से लिखेंगे, प्रोत्साहन। इसके बाद में है फिजूल खर्ची, ऐसे बनाएंगे इसको, फिजूल और ये खर्ची, ये हो गया फिजूल खर्ची। इसके बाद में है कुछ समय से, कुछ का शब्द चिन्ह, समय और ये से, ये हो गया कुछ समय से। इसके बाद में है कुछ समय के लिए, इसको इस प्रकार से बनाएंगे, कुछ समय के लिए। इसके बाद में है बदल कर, ऐसे बनाएंगे इसको, बाका आंकड़ा, बदल कर। इसके बाद में है मानसिक, इसको इस प्रकार से बनाएंगे, मानसिक। लास्ट में हमारा शब्द शारीरिक, बनाएंगे शारीरिक, ये हो गया शारीरिक। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन बना के बताई है, इनको एक बार फिर से रिपीट करके आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से इनको समझ सकें। सबसे पहले हमारा शब्द है प्रस्तुतीकरण, ऐसे बनाएंगे इसको, प्रस्तुति और ये करण।
इसके बाद में है ग्रहण कर रही है, ये हो गया ग्रहण कर रही है, बड़ा कर देंगे इसको डबल। इसके बाद में है उपभोक्ता, लाइन काट के उप और ये भोक्ता। इसके बाद में है अस्पतालों, अस्पतालों, ये अस्पतालों बहुवचन हो गया। इसके बाद में है बढ़ोतरी की जा रही है, बाक आंकड़ा बहुत बढ़ोतरी की जा रही है। इसके बाद में है सहूलियत, सा हा ला और या और ये ता का आंकड़ा, ये हो गया सहूलियत। इसके बाद में है कृत संकल्पित, तो बनाएंगे कृत संकल्पित। इसके बाद में है सब कुछ होते हुए भी, ये हो गया सब कुछ होते हुए और ये भी। इसके बाद में है ग्रामीण क्षेत्रों, बनाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों बहुवचन। इसके बाद में है विश्व पटल पर, हो गया विश्व पटल और ये पर। इसके बाद में है आखिरकार, तो बनाएंगे आखिरकार। आगे शब्द है बेकसूर, बाक आंकड़ा बेकसूर। इसके बाद में है प्रोत्साहित, या बनाएंगे प्रोत्साहित। इसके बाद में है प्रोत्साहन, ये हो गया प्रोत्साह और ये हन। इसके बाद में है फिजूल खर्ची, इसको बनाएंगे फिजूल खर्ची, एक ही मात्रा लग गई। इसके बाद में है कुछ समय से, कुछ का सब चिन्ह, ये समय का सब चिन्ह और ये से का आंकड़ा, ये हो गया कुछ समय से। इसके बाद में है कुछ समय के लिए, ऐसे ही कुछ समय और के लिए लास्ट इंडिकेट कर देंगे इसको। इसके बाद में आता है शब्द बदल कर, बाक आंकड़ा बदल कर। आगे है मानसिक, तो इसको लिखेंगे हम मानसिक। लास्ट में है शारीरिक, तो इसको बनाएंगे शारीरिक। तो दोस्तों ये कुछ शब्द मैंने आपको बना के बताए हैं, इन शब्दों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके बाद में आप इनको नोटबुक में उतार लीजिए। नोटबुक में जब भी आपको टाइम मिले तो इनको रिवीजन करते रहिए। दोस्तों शॉर्ट हैंड लिखने का यही तरीका है कि शब्द चिन्हों पर अपनी पकड़ मजबूत रखिए, शब्द चिन्हों को अधिक से अधिक बनाने की कोशिश कीजिए और डिक्टेशन भी आप सीन ज्यादा से ज्यादा करिए। कम से कम एक एक डिक्टेशन को 5 से 7 बार आप अच्छे से उसको शॉर्ट हैंड में लिखिए और उसको ट्रांसलेट करने की भी कोशिश कीजिए। ट्रांसलेट हमेशा शॉर्ट हैंड का लिख कर ही करना चाहिए, कभी भी ट्रांसलेट बोल करके नहीं करना चाहिए, और इन शब्दों को आप बनाते रहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।